आईआईआरडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की शुरुआत 2004 में हुई। ये संस्था एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। आईआईआरडी का मकसद है अनेक प्रकार की नई नई तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये संस्था जैविक उत्पाद का उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, जैविक और प्राकृतिक चारे के माध्यम से पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाना, लोग स्वस्थ रहें, प्रकृति आधारित जीवन यापन कर सकें, इसके लिए विभिन्न सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचे, ऐसी कोशिश आईआईआरडी लगातार कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट आईआईआरडी एक विकास उन्मुख संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जो विकास के आयाम हैं उनको छूना चाहती है और ऐसे जितने भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन देने के लिए एक संगठन है, एक संस्था है। आईआईआरडी ने 20 नवंबर को चंडीगढ़ में आईआईआरडी एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव, बायो वेस्ट एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट एंड बायो लिविंग अवार्ड 2019 कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य था अपशिष्ट और उसके प्रसार प्रबंधन के मौजूदा दृष्टिकोण को समझना तथा जैविक दबाव और पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए विभिन्न रिसाइकलिंग उपायों को अपनाना। पराली की बात पूरे नॉर्थ इंडिया में होती रही है, सुप्रीम कोर्ट कहते रहे हैं और संसद में बात होती रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू को लेती रही हैं। अभी हम चर्चा में तो काफ़ी कुछ पराली की बात कर रहे हैं लेकिन एक्शन पे कौन आए, कब आए और कैसे आए, तो इन सभी बातों का एक समावेश करने के लिए कि कैसे हम पराली के मेनेज को कम करें और कंट्रोल करें, इसके लिए एक्शन प्लान क्या हो, उस एक्शन प्लान को प्रस्तुत करने के लिए ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया था। अब पंजाब और हरियाणा में पर्यावरण की बात हो और पराली की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो इस कार्यक्रम में पराली प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। सरकारी अधिकारियों और किसानों ने कार्यक्रम में शिरकत की और पराली प्रबंधन की नई तकनीकों के बारे में चर्चा की। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज ये एक बहुत बड़ी आवाज बन के सामने आई है कि पराली एक समस्या नहीं है, पराली एक ऐसा सरमाया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें खेत के अंदर और खेत के बाहर इस्तेमाल करने की चल रही हैं। जो हमारी जो हम लोग कृषि विभाग से हैं या कृषि यूनिवर्सिटियां हैं हमारी या हमारी जो ICAR संस्था है पूरे देश भर के लिए, ये मुद्दा सामने बन के आया है कि अगर पराली को हम खेत में ही इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी पराली के बीच में उसके जो न्यूट्रिशियस कंटेंट्स हैं सारे, क्योंकि जितनी भी फसल जो है ज़मीन से जितना न्यूट्रिएंट लेती है उसका कम से कम 60% जो पार्ट है वो स्टेम में होता है। जब हम राइस का ग्रेन ऊपर से ले लेते हैं तो स्टेम में वो जो न्यूट्रिशियस कंटेंट पड़े रहते हैं, तो अगर उन सबको हम जलाने की बजाय उसको खेत में ही रखना शुरू कर दें या मिलाना शुरू कर दें तो हमारी जो खाद की खपत है वो कम होती है। और ये एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लोगों ने, हज़ारों किसानों ने इसको अजमा लिया है। पंजाब के साथ साथ पिछले 2 साल से हरियाणा, यूपी में, क्योंकि स्कीम भारत सरकार की तरफ से चारों स्टेटों में चलाई गई, जो दिल्ली के भी कुछ एक किसान हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया है कि अगर इसको पराली को खेत में रख लिया जाए तो इससे बहुत से लाभ होते हैं। हम पराली नहीं जलाते तो हैप्पी सीडर से बुआई कर देते हैं कनक की, तो आलू के लिए हम करते हैं प्लाव करते हैं, मल्चर के बाद प्लाव कर देते हैं, प्लाव के बाद फिर बहुत अच्छी तरीके से आलू की बुआई होती है। और सर जो बाद में बचता है अवशेष जो बचते ही नहीं, अवशेष बचेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसी मशीनरी दी है बचेंगी नहीं। तो आप कौन कौन से मशीन का यूज़ करते हैं? हम मल्चर करते हैं, चॉपर करते हैं, प्लाव करते हैं, रोटावेटर। हमें 10 लाख की मशीनरी गवर्नमेंट ने दी है, 2 लाख में, 8 लाख गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है इसमें। इस कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने विचार रखे। जैसे आज जो पर्यावरण और पराली के संबंधित यहाँ कार्यक्रम था टैगोर थिएटर में, तो सबसे बड़ी बात जो है कि पराली का प्रबंधन और ये जो धुआं की बात हो रही है, अगर उसको ऊपर कुछ करना है तो सबसे पहले लोगों को ज्ञान और जागरूकता पैदा करने से ही ये सब हल होगा। आज का जो कार्यक्रम था
वो कई महीनों के मतलब मंथन से कई ऐसे विशेषज्ञों के साथ मिलने के बाद और एक प्रारूप बनाने के बाद आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद जो प्रारूप था उसका एक अच्छा स्वरूप बना, और वो स्वरूप आगे जाकर के सार्थक होगा और वो स्वरूप अपना असर दिखाएगा। आज के कार्यक्रम में जो लोग आए थे उन लोगों को संक्षिप्त में यानी कई लोगों से मिलने के बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला, और वो एब्स्ट्रैक्ट सीधा आज के जो 3-4 घंटे का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में वो एब्स्ट्रैक्ट उनको बिल्कुल रेडी टू ईट मिल गया है, और उसको बड़ा इफ़ेक्टिव कह सकते हैं आप लोग। हम बहुत पोल्यूशन की बात करते हैं, हर एक चीज़ की बात करते हैं कि लोग जूझ रहे हैं हर एक चीज़ से, पर कैसे, ये तो वातावरण जो है, ये जो है धरती जो है ये कॉमन हमारा घर है सबका, तो सबको ही ख्याल रखना पड़ेगा ना, एकजुट होके सबको समझना पड़ेगा इसकी हर एक चीज़, इसकी समस्या। कॉन्क्लेव में ग्रीन टीवी को बेस्ट मोबिलाइजेशन प्रैक्टिसेस के लिए पुरस्कृत किया गया। For best mobilization practices, the award goes to Green TV. I would request Ms. Anshu and team to please come on the stage and collect their award. I would request everyone to please have a loud round of applause for the winners. Thank you. मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, टोटल कम समय में 13 एंट्रीज हमारे पास आई थी, और जो ज्यूरी ने उनको सिलेक्ट करने का जो तरीका था, इवेल्यूएशन की जो प्रोसेस थी, दैट वाज वेरी रिगोरस, एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट ग्रीन टीवी इज़ द ओनली एंटिटी जिनको 13 में से सिर्फ एक को क्वालिफाई ज्यूरी ने किया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट ग्रीन टीवी फॉर योर एक्सेलेंट वर्क। वुड लाइक टू स्पीक 2 मिनट्स प्लीज। हम लोग 3 साल से सर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और ग्रीन टीवी 5 साल पहले लॉन्च हुआ था एज अ फर्स्ट इंडियन प्राइवेट चैनल, एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट चैनल। हमारा मकसद है कि जो न्यू प्रैक्टिसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं न्यू टेक्नोलॉजी, उसको हर किसान तक पहुंचाया जाए। इस तरह के कॉन्क्लेव लगातार होते रहने चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और अपने कल को सुरक्षित कर सकें। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए IIRD की टीम की ये पहल काबिले तारीफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।